नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका बबीता गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ के सिलेबस में सूरदास के पद। बच्चों, सूरदास जी का जन्म 1478 में रुनकता क्षेत्र में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 में इनकी मृत्यु हुई। बच्चों, इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसागर। सूरसागर के भ्रमर गीत से चार पद जो हैं वो लिए गए हैं। बच्चों, इसमें जो कृष्ण हैं वो मथुरा चले गए हैं और मथुरा से उन्होंने कहते हैं कि उधो उनके मित्र भी थे और दूसरी मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि उधो श्री कृष्ण के चाचा देवभाग के लड़के थे। दूसरी मान्यता के अनुसार जो है उधो कृष्ण के सखा भी माने जाते हैं। तो जब गोपियों को जो है प्रेम में छोड़कर मथुरा चले जाते हैं कृष्ण और वहाँ से अपने सखा उधो को योग का संदेश, ब्रह्म ज्ञान का संदेश देकर भेजते हैं, तो गोपियाँ जो हैं वो वियोग में बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं और बहुत परेशान हैं। तो वो उधो को जो देखकर जो है, जब उधो आते हैं गोपियों के पास कृष्ण का संदेशा लेकर, तो गोपियां जो हैं उधो पर व्यंग करती हैं। देखिए पहला पद, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनीस तगा तय नाहिन मन अनुरागी। हे उधो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों नहीं तुम भाग्यशाली हो? क्योंकि तुम तो कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुमने कृष्ण से प्रेम ही नहीं किया, इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुमने तो वियोग की पीड़ा को महसूस ही नहीं किया है। अपरस रहत सनेस तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम तो कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में बंधे ही नहीं, तुम्हारी दृष्टि में उनके लिए कोई प्रेम है ही नहीं। जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन जो है पानी की बूंदें उसके ऊपर नहीं पड़ती हैं, पानी का जो वो पत्ता जो है पानी में कभी डूबता नहीं है, वैसे ही गोपियां जो हैं उधो पर व्यंग कर रही हैं कि तुम उस कमल के पत्ते की तरह हो जो कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम कृष्ण का जो तुम पर कृष्ण का एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा। जो जलमा तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल लगी हुई गगरी को अगर पानी में डुबोया जाए तो उसमें पानी नहीं लगता है, अर्थात बच्चों पानी और तेल कभी मिश्रित नहीं होता है। वैसे ही गोपियां जो हैं व्यंग कर रही हैं उधो पर कि तुम तो तेल की उस गगरी की तरह हो जिसमें जो है पानी की बूंदें लगती ही नहीं है, वैसे ही तुम कृष्ण के साथ रहते हुए तुम पर जो है कृष्ण का जरा भी असर नहीं हुआ है। प्रीत नदी में पांव न बोरो दृष्टि न रूप परागी। तुमने तो कभी प्रेम रूपी नदी में कभी पैर ही नहीं डुबोया, अर्थात तुमने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया है। दृष्टि न रूप परागी, और ना तुम्हारी नजरों में ना तुम्हारी दृष्टि में किसी के लिए कोई प्रेम ही है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं उधो से कि हम तो भोली भाली गोपियां हैं, भोली भाली हैं और हम कृष्ण से उसी तरह प्रेम करते हैं जिस तरह गुड़ से जो है वो चींटियां प्रेम करती हैं। गुड़ से चींटियां चिपक जाती हैं और वो उनके मोह में जो है वो गुड़ मर जाती हैं गुड़ में चिपटे हुए, लेकिन वो गुड़ का मोह नहीं त्याग पाती। वैसे ही गोपियां कहती हैं कि हम भोली भाली सीधी सादी जो है अबलाएं हैं और हम कृष्ण से वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे जैसे चींटी जो है वो गुड़ से प्रेम करती। ये था पहला पद। देखते हैं दूसरा पद। अब गोपियों को एक आशा थी, एक मन में अभिलाषा थी कि कृष्ण जो है आएंगे और उनसे अपने मन की बातें करेंगे, लेकिन जो है वो कृष्ण नहीं आए। कृष्ण की जगह जो है संदेशा लेकर उधो आते हैं। तो गोपियां क्या कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, यानी मन की जो बातें थी, मन की जो अभिलाषाएं थी वो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत कही।
इस प्रेम की पीड़ा को जो है मैं किससे जाकर कहूँ, यानी अपने प्रेम की व्यथा को, प्रेम की पीड़ा को गोपियाँ किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहती हैं, वो किससे जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, एक उनके आने की एक अवधि थी, उसको उन्होंने अपना आधार बनाया कि कृष्ण आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आ जाएंगे, और ये उनका इंतजार करते करते जो है तन मन से जो है विरह की व्यथा को, विरह की पीड़ा को वो गोपियां सहती रहीं। अब इन योग संदेश से सुनी सुनी विरहिणी विरह दई, अब ये उधो के द्वारा योग का, निराकार ब्रह्म का संदेश सुनकर जो है गोपियों की विरह पीड़ा जो है और ज्यादा बढ़ गई है। चाहती हुती गुहार जितई ते उत ते धार बही, अब गोपियां कहती हैं मैं अपनी रक्षा के लिए किसे पुकारूं, किस जिससे उम्मीद थी कि वो आएंगे और हमारी सारी पीड़ा को दूर करेंगे, वो ही नहीं आए तो अब मैं रक्षा के लिए किसे पुकारूं। जिधर भी वो आवाज लगाती हैं रक्षा के लिए, उधर से ही जो है वो योग का संदेश, योग की पीड़ा उनको सुनाई दे रही है। सूरदास अब धीर धही क्यों मर जादा न लही, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं जब श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, हमें जो है हमसे प्रेम करके और हमें वियोग में ऐसे छोड़कर चले गए हैं, तो हम भला कैसे धैर्य धारण करें। ये था दूसरा पद। अब देखते हैं तीसरा पद। तीसरे पद में गोपियां कहती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी। बच्चों, हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में एक लकड़ी रखता है, वो जहां भी उड़ता है, जहां भी बैठता है, उस लकड़ी के टुकड़े को नहीं छोड़ता है। वैसे ही गोपियां जो कह रही हैं कि हमारे हरि यानी हमारे कृष्ण जो है हारिल पक्षी की उस लकड़ी की तरह हैं, जिसको हमने मन क्रम वचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी, जिसको हमने तन मन और कर्म से, वचन से नंद के पुत्र यानी कृष्ण को जो है वो दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है, अर्थात अपने हृदय में बसा रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए सोते हुए स्वप्न में, दिन में रात में, हर समय वो कान कान जकरी, वो गोपियां जो है वो काना काना ही करती रहती हैं। अब उधो के द्वारा योग का संदेश सुनकर उनको ऐसा लगता है सुनत जोग लागत ऐसो जो करुई ककरी, यानी उधो के द्वारा योग का संदेश सुनकर ऐसा लगा गोपियों को जैसे वो उनके मुंह में कड़ुई ककड़ी आ गई हो, जिसको वो खा ही नहीं सकती हैं। सुन तो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी ना करे, गोपियां कहती हैं उधो तुम ये निराकार ब्रह्म की जो नाम की जो ये बीमारी ले आए हो, योग की जो बीमारी ले आए हो, ऐसी बीमारी को तो हमने ना कभी देखा है, ना कभी सुना है और ना ही कभी भोगा है। यह तो सूर तिनही लय सौंपो जिनके मन चकरी, यहाँ पर गोपियां कहती हैं हे उधो तुम ये योग का संदेश उन्हें जाकर दो जिनका मन नियंत्रित नहीं है, जिनका मन भ्रमित है, जो चलायमान है इधर से उधर, जिनका मन भ्रमित है उन्हें ये योग का संदेशा दो जाके। हमारा मन तो पहले से ही एकाग्र है, हम जो हमारे मन में सिर्फ श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं, तो ये योग का संदेश हमें नहीं उन लोगों को जाकर दो जिनका मन उनके बस में नहीं है, उनके नियंत्रण में नहीं है, उनको जाकर दो। हमारा मन तो नियंत्रित है, हम तो हमारे मन में जो है सिर्फ कृष्ण ही बसे हुए हैं। ये था तीसरा पद। देखते हैं चौथा पद। चौथे पद में गोपियां कह रही हैं हरि है राजनीति पढ़िया, हमारे जो कृष्ण हैं उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, राजनीति पढ़ ली है तभी तो उन्होंने आपके द्वारा जो है योग का संदेश भेजा है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, आपके द्वारा योग का संदेश सुनकर समझ में आ गया है और अब और ज्यादा समझ गई, अब पूरा समाचार सुनकर जो है पूरा विश्वास हो गया है। एक अति चतुर हुए होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, हे उधो तुम तो पहले ही चालाक थे, पहले ही चतुर थे और तुमने अब अपने गुरु कृष्ण से जो है गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है,
इसीलिए तुम जो है यहाँ पर योग का संदेशा लेकर आए हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़े, यानी कृष्ण जो है वो बहुत चतुर हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं, इसीलिए जो है तुम्हारे माध्यम से हमारे पास योग का संदेश भेजा है। अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है और इसीलिए जो है वो बहुत चतुर हो गए हैं, बहुत चालाक हो गए हैं, ऐसा जो है गोपियां उधो से कहती हैं। फिर गोपियां उधो से कहती हैं, उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय। गोपियां कहती हैं कि पहले के लोग कितने अच्छे होते थे, जो दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे के कार्य के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। अब अपन आपने मन फेर पाइए चलत जुहूते चुराए। गोपियां कहती हैं हमें अपना पहले वाला ही मन चाहिए जो श्री कृष्ण जो है जाते वक्त चोरी से चुरा ले गए थे, हमें तो अपना पहले वाला वही मन वापस चाहिए। ते क्यों अनीत करे आपुन जे और अनीत छुड़ाए। गोपियां कहती हैं जो अन्याय और अत्याचार का विरोध करता है, यानी कृष्ण के लिए कह रही हैं कि जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जो है वो कदम उठाते हैं, उसको रोकते हैं, वो आज हमारे साथ अन्याय और अत्याचार क्यों कर रहे हैं। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि कृष्ण जो है मथुरा गए थे अपने माता पिता को जेल से मुक्त कराने के लिए और अपने नाना को भी जेल से मुक्त करा के उनको जो है राज सिंहासन में बिठाया था और अपने मामा कंस का जो है वध किया था। तो इसीलिए गोपियां कह रही हैं कि जो अन्याय और अत्याचार का विरोध करता है उसने हमारे साथ अन्याय क्यों किया है, हमसे प्रेम करके हमें वियोग में छोड़कर चले गए हैं और वहां से उधो के द्वारा योग का, निराकार ब्रह्म का, यानी ज्ञान मार्ग का संदेश भेजा है। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए। गोपियां कह रही हैं कि राजा का धर्म नहीं है, राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा की हर तरह से जो है ध्यान रखे, उनकी सुख सुविधाओं की का ध्यान रखे और उनकी हर तरह से रक्षा करे, उन पर कोई विपत्ति ना आने दे। लेकिन जो है कृष्ण ने ऐसा नहीं किया है, यानी गोपियां अपने आप को कह रही हैं कि कृष्ण ने जो है हमारे साथ अन्याय किया है और वो हमें वियोग में छोड़कर चले गए हैं और अपने मित्र और युधो के द्वारा योग का संदेश भेजा है। तो ये थे भ्रमर गीत से चार पद जिसमें गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया गया है।